गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन इस योजना में किस प्रकार से धांधली की जाती है और कैसे प्रखंड स्तर के कुछ कर्मचारियों से मिलकर बिचौलिए लाभुकों को डरा धमकाकर उनसे आवास की राशि में सेंध लगाते हैं, आइए उसका जीता जागरण उदाहरण हम दिखाते हैं। फूस फास बरले बा हमरा का बा देखत नहीं कि सरकार वही तो देखी तो हमारा कितना कह कि हो तारा छत के बाकी के फूस बा आ तबो तो राउ इंदिरा आवास आइल हो तो तबो में लोग घुस ले लेलक कितना घुस ले 20,000 राधे राम तो रोग से पैसा भी केहू मांगता हां राधे राम जबरन पैसा ले ले हां ले ले बड़ा 20,000 का दे का कहत रहला कहत लगा जे ई पैसा ना देबलो 20,000 तो फिर मतलब दोबारा ना आई मतलब। दरअसल यह मामला बनियापुर प्रखंड के पिरौटा खास पंचायत के बेरुई वार्ड नंबर 4 का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित आवास की राशि में दलालों के कारण आम लोग हलकान हैं। दलाल प्रथम किस्त की राशि में से 15,000 से 20,000 कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को घर दिलाने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक योजना बनाई गई, जिसमें बेघरों को पैसा उपलब्ध कराकर उन्हें मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परंतु पिरौटा खास पंचायत में इस योजना में बिचौलिए हावी है। नतीजा यह है कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है उनके घर पर प्रतिदिन बिचौलियों का आना जाना है। लाभुक परिजनों का कहना है कि सरकार ने इन्हें तो घर बनाने के लिए राशि दी है, परंतु पंचायत प्रतिनिधि उस राशि से अपने कमीशन के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहे हैं और ना ही देने पर अगली किस्त रुकवाने की धमकी भी देते हैं। जैसे वो पैसा दे ता नोटी पर चोर हो कि हमरा के 15,000 के दम दे ये दो ना देला पर रोक दे कहत रहे लो कि रोक दे हाँ वो अब कीड़े भर के मर जाए कहत रहे कि अब कीड़े भर के मजा बा ना तो रोक दे हाँ। पहल के किस्त नू राउर आइल बा हाँ 40,000 आइल बा में से 15,000 रुपया चाही चाही ले ले लख लो के ले लख रउरा हाथ से पैसा वार्ड आ मुखिया वार्ड आ मुखिया आके रउरा से पैसा ले ले लख हाँ। इंदिरा आवास आई रहल हाँ तो रउरा से पैसा भी मांगत रहल हाँ मांगत आइल 15,000 रुपये के मांगत रहल 15,000 वार्ड मतलब जीतल की हारल जीतल बल हारलो आदमी मांगत है जीतलो आदमी मांगत है दोनों जना दबाव बनाओ तो हाँ तो रुड़ा कहनी ना कि हम घर कैसे बना तो कहल जाता तो कहते कि ना उम्मे लागत तो पैसा के पैसा लेते ई ना बतई लखलो दो आदमी लेते पुरान का वार्ड आ नई का वार्ड। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे लाभुक के खाते में आता है, लेकिन कुछ बिचौलिए सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों से मिले रहते हैं और जैसे ही लाभुक के खाते में पैसा आता है कि बिचौलिए को सूचना मिल जाती है और फिर बिचौलिए अपनी मेहरबानी जताते हुए गरीबों से पैसा लूटने की परंपरा में जुट जाते हैं। सुने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए अब इस तरह की छुटपुट घटनाएं सूचनाएं हमारे पास भी मिलती हैं। मैं सभी लाभुकों को यह कहना चाहता हूं कि आप क्यों उसके जाल में फंस रहे हैं। आपको सरकार पैसे दे रही है, आपके खाते में पैसे दे रही है, तो फिर आप किस स्तर पर यह समझ रहे हैं कि हमको ये बिचौलिए हमारा काम करवा रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप अविलंब संपर्क करें प्रखंड विकास पदाधिकारी से। सर वार्डों द्वारा धमकाया भी जा रहा है पैसे नहीं दिए जाएंगे तो फर्स्ट किस्त सेकंड किस्त अगला किस्त रोक दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट किस्त देने का या अगला किस्त जो है वो देने का अधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी को है। यदि लाभुक को प्रथम किस्त मिल जाता है तो दूसरा किस्त उसको दिया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति यह कह दे रहे हैं कि हम उनका दूसरा किस्त रुकवा देंगे तो उनको यह लाभुक को समझना चाहिए कि उसमें इनका रोल क्या है। वो कोई पदाधिकारी तो नहीं है इसमें, ना तो किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें भुगतान करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। सर वार्डो द्वारा जो पैसे लिए जाते हैं उस पर कार्रवाई होगी? देखिए अगर लाभुक सजग हैं और उनको यह चीज़ जानना चाहिए कि सरकार मेरे खाते में पैसे दे रही है,
यह पैसा उनका नहीं है, पैसा लाभुक का है। तो लाभुक का पैसा है तो उनको खुद सजग रह करके उनके खाते में दी जा रही है, और अगर उनको कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करते हैं तो उनको निश्चित रूप से शिकायत करना चाहिए कि सर इनके द्वारा मांग की जा रही है, फिर हम देखते हैं कि कैसे वो मांग लेते हैं और उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। जबकि जिलाधिकारी राजेश मीना ने खुद ही यह स्पष्ट किया है कि कोई भी बिचौलिए द्वारा इस तरह की हरकतों में शामिल पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए ताकि उस पर कार्रवाई किया जा सके। प्रथम किस्त के रूप में, द्वितीय किस्त के रूप में, तो वो अपनी राशि का सही उपयोग करेंगे, और यदि कोई भी व्यक्ति उनसे गलत तरह से राशि मांगने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना हम लोग को तत्काल दें। परंतु देखा जाता है कि राशि उन्हें दे देते हैं या फिर उसका तब शिकायत करते हैं तो उससे राशि को फिर वापस करने में समस्या होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सभी लोगों को मिलकर जो भी लाभार्थी हैं उनको जागरूक करना चाहिए कि यह योजना में सरकार आपको पैसे दे रही है, यह योजना आपके लिए है। जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपको आपके आवास बनाने के लिए मिल रहा है, और यदि इसमें किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति बदमाशी करने का प्रयास करता है तो उसे प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा, तो हम लोग विभिन्न स्तर से उसकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।